अस्सलाम वालेकुम व्यूअर, कैसे हैं? ठीक ठाक हैं, उम्मीद करते हैं आप सब ठीक ठाक होंगे। तो आज हम आपको दिखाते हैं पैंट ट्राउजर की कटिंग कैसे होती है। तो पहले भी हमने आपको वीडियो दिखाई है, लेकिन आज हम दिखाते हैं आपको कि पैंट ट्राउजर की पैंट की तरह ट्राउजर की कटिंग कैसे होती है। कपड़े को डबल करते हैं, डबल कर दिया, देख सकते हैं ये हमने कपड़े को डबल कर दिया, कर लेंगे बस। हमने लाइन लगा दिया, फिर हम इधर से तीन इंच निशान लगाएंगे, फिर इधर भी 3 इंच निशान लगाएंगे, फिर इधर भी 3 इंच निशान लगाएंगे। 3 इंच निशान लगा दिया, फिर इसी के साथ लाइन लगाएंगे। ये हमने लाइन लगा दिया, अच्छा इसके बाद हम इधर भी लाइन लगा देंगे, मुंडी बाद भी लाइन लगा देंगे। देखो हम बहुत बार लाइन लगा दिया, अभी इसकी लेंथ नापेंगे। 3 इंच जैसे हमने छोड़ा था, अभी इसकी लेंथ नापेंगे। 37 जैसी लेंथ है, 37 37 इंच इसकी लेंथ है। तो ये हम निशान लगा दिया 37 इंच पे, तो इधर भी 37 इंच पे निशान लगा देंगे। ये नॉर्मल वो पेंट ट्राउजर है, तो अभी हम इधर निशान लगाएंगे 11.5 पे। ये नॉर्मल वाला है, अगर बंदा बहुत हल्दी है, मोटा है, तो फिर उसकी हम थोड़ा बढ़ा सकते हैं, 12.5 भी कर सकते हैं, 13 भी कर सकते हैं, 14 भी कर सकते हैं, वो तो बंदे के हिसाब से कस्टमर जिस तरह वो मांगेगा इस तरह नाप के मुताबिक। ये नॉर्मल है, तो अभी हम इधर से निशान लगाएंगे, 15 पे निशान लगा लेते हैं। ये 15 पे हमने निशान लगा दिया, तो इधर 11.5 पे निशान हमने लगाया था, अभी इधर भी 11.5 पे निशान लगाएंगे, तो इधर भी 11.5 पे निशान लगाएंगे। ये 11.5 पे हमने निशान लगा दिया, अभी इसको इधर से हम लाइन लगाएंगे आसन की जगह पे, इधर भी लाइन लगा दिया, अभी इधर भी हम लाइन लगाएंगे। ये देखो अभी हम इधर भी लाइन लगा दिया, ये हो गया। तो अभी इसका जो है ना, हमने साइड से ढाई इंच इस अंदर की तरफ आना है, ढाई इंच अंदर की तरफ आना है, ये हमारा सेंटर है आसन का। तो इधर से हम निशान लगाएंगे, इंच टेप रख देते हैं, ये निशान लगा देते हैं क्रॉस, ये देख सकते हैं, ये इधर 2.5 इंच हमने अंदर की तरफ रहते हैं। इधर से हम लाइन लगाएंगे, ये देख सकते हैं अभी हमने लाइन लगा दिया क्रॉस, ये शेप है इसकी, ठीक है। अभी इधर से हमने सेंटर लेना है इसका, 11.5 पे निशान हमने लगाया था, तो 6.25 पे निशान रखने रखेंगे, 6.25 पे, ठीक है। और इसका 5 इधर से हमने, इसका 5 अभी इधर से नापना है, इधर से नहीं नापना, इसको हमने छांटी करेंगे, काट देंगे, तो 5 इधर से नापना है, इधर से नहीं नापना है, इधर से 7 इंच 5 7 इंच पे हमने निशान लगा दिया, और इधर से हम 3 इंच इधर नीचे 5 के लिए निशान लगाते हैं, इधर भी हम 3.5 पे निशान लगा दिया, इधर भी 3.5 पे निशान लगा दिया। ये भी 5 का निशान 7 इंच पे लगाते हैं, इधर से लेके 7 इंच पे। और इधर से मैं आपको बताया था कि इसका सेंटर पे निशान हम देखो 11.5 पे इधर भी निशान है, इसका सेंटर जो आता है 6.25 इंच, तो 6.25 इंच। और इधर 5 से भी जो 7 इंच है उस पर भी हम इसका सेंटर लेंगे, ये 7 इंच 5 है, तो ये तकरीबन जो है ना 7 इंच पे 3.5 पे आएगा, 3.5 पे, तो 3.5 पे हम निशान लगाएंगे, ये देख सकते हैं अभी एकदम निशान लगा रहे हैं आसन तक, सेंटर से ले लिया हमने। और इधर हम 11.5 पे निशान लगाया था, 11.5 पे निशान देखो, और इसको हम इधर बढ़ाएंगे 2.5 इंच शेप में, ये देखो शेप में इसको हम आसन को शेप में काटेंगे, ये 7 इंच 5 है। तो इधर हम इसको उस पेयर को रखेंगे और इधर को हम लाइन लगाएंगे, ये देखो, ये कोशिश करें कि आप इस तरह स्क्वायर वगैरह ले लें, सही। हम तो ऐसे भी निशान लगा के भी लगा सकते हैं, तजर्बा बंद इंसान को हो जाता है ना, तो जो नया बंदा होता है उसके लिए थोड़ा आसानी होता है। देखो निशान लगा के सीधा सीधा लाइन खींचोगे, देखो सीधा आएगा, इधर तक सीधा आएगा, इधर जब जाओगे इधर सीधे कर लोगे, सही हो गया। ये देखो निशान हमारी लाइन, ये ठीक हो गया।
अभी दूसरा मैं तरीका आपको जैसे बता दूं कि हम इसको फालतू कपड़े को काट देंगे, फिर दबाव छोड़ेंगे। ये हमारा जो इधर से हमने शेप दिया है इसको, पहले मैं इधर भी निशान लगाया था ये आपको समझाने के लिए, तो अभी इधर से हम 2.5 इंच किया दबाव हमने फालतू का काट लेंगे, ये थोड़ी शेप सीधा हो जाएगा तो खड़ा रहेगा। अभी इसको हम आपके सामने काट रहे हैं, अभी इसको भी हम काट रहे हैं लाइन के साथ साथ। अभी इसको भी हम जो लाइन लगी है काट देते हैं, इधर हम टुकड़ा लगा देंगे, देखो टुकड़ा लगा दिया हमने। अभी इसके ऊपर से जो निशान हमने लगाया था लाइन, इसको भी हम काट देंगे। जो नेता है हमारा 3.5 इंच है, सही हो गया। अभी इधर सेंटर से थोड़ा सा अंदर भी लगवाना है, ये देख सकते हैं अभी देखो हम फालतू काट दिए, इधर भी निशान लगा दिया, इधर भी निशान लगा दिया, और इधर भी टुकड़ा लगा देंगे, और इधर भी टुकड़ा लगा देंगे। अब इस कपड़े को हम ऐसे रखेंगे ताकि हमारा ट्राउजर की बैक साइड, ये देखो ये डबल कपड़ा है, पहले हमने इस तरफ काटा है ट्राउजर को ऐसे, आपने देखा है सही, इस तरह हमने काट दिया इसको इस साइड से, सही ऐसे काटा है। अभी इसी कपड़े को हम डबल, कपड़ा डबल है, हम इसको ऐसे पलटी कर देंगे, देखो ये हमारा कपड़ा डबल है। अभी हम इसको रखते हैं आपके सामने, देखो ये हमने ऊपर करंट रख दिया इसकी, तो अभी हम इसको लाइन लगाएंगे। ये देखो इधर से थोड़ा बैक साइड बड़ा होता है, बढ़ा कर रखते हैं, फ्रंट से बैक बड़ा होता है। ये हमारा तकरीबन ये 2 इंच तक आ गया, 2.5 इंच भी कर सकते हैं आप, तो वो नाप के हिसाब से होता है, ये हमने 2 इंच रखा है। तो उसके अलावा इसको हम रखेंगे 2 इंच पे निशान, ये देखो 2 इंच, तो इधर भी तकरीबन 2.5 इंच एक गुलाई में ऐसे ऐसे आएगा शेप में, तो इधर भी तकरीबन 2 इंच है, और इधर भी 2 इंच, और इधर भी 2 इंच, और इस तरह हम बढ़ा के भी 2 इंच रख दिया, ठीक है, और इधर भी 2 इंच, इसी तरह इधर 1.5 इंच, और इधर भी 1.5 इंच, और इधर भी 1.5 इंच, ये निशान अभी अब आपको लगा रहे हैं 1.5 इंच पे, तो ये भी हम 1.5 इंच पे निशान लगा दिया हमने। अभी हम इसको ये देख सकते हैं, अभी इसको हम निशान लगाते हैं ऐसे, इंशाल्लाह निशान पे जाएगी, ये देख सकते हैं ये निशान पे लगे, अभी इधर भी निशान पे इंशाल्लाह लग जाएंगे। ये रख दिया हमने, ये देखो, और इधर भी हम निशान लगा दिया, इधर भी निशान लगा दिया। अभी ये फालतू जो है कपड़ा हम साइड से काट लेंगे साथ साथ, ये हमारे निशान लग चुका है। अब इसको हम कैंची मारते हैं, हमने कैंची मार दी, अभी इसको ऊपर से हम काट लेते हैं शेप में। अभी हमने कटिंग इसकी कर दी, ये थोड़ा फालतू रखते हैं, सही है, ये फिक्स 7 इंच पहुंचा था, ये फ्रंट जो बैक जो होता है वो बड़ा होता है, तो बैक भी देखो देख सकते हो, ये हमने बैक को बढ़ाया, कितना बढ़ाया तकरीबन ये 2 इंच इधर से निशान से बढ़ा दिया, ये हमारा 5 7 ही इंशाल्लाह आएगा, क्योंकि बैक बड़ा है फ्रंट छोटा है। जो हमारी बहनें घर में काम करती हैं उनकी आसान है, ये तो गौर से देख लें कि ये ट्रोजर पेंट ट्रोजर की कटिंग कैसे होती है, तो हमने आपको बहुत आसान सा तरीका समझा दिया, हमने बहुत ही आपको आसान तरीका बताया ताकि आपको समझ आ सके। हमारी जो बहनें घर में काम करती हैं, बच्चियां बच्चे जो काम सीख रहे हैं, उनके लिए बहुत आसान है, समझ आ सकती है कि ये कैसे कटाई होता है। तो हमारी वीडियो पूरी गौर से देखा करें, पूरी वीडियो
सुना करें ताकि आपको समझ आ सके। देखा भी करें कैसे निशान लगता है, कैसे लाइन लगाते हैं हम, तो ताकि आपको हर वीडियो हमारी समझ आ सके बआसानी। इसलिए आज की वीडियो को एंड करते हैं, हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें नेक्स्ट वीडियो के लिए। अल्लाह हाफिज़।